आपको बता दें, शिवराज के विवादित पोस्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। एनयूसीआई जिला अध्यक्ष समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपत्तिजनक पोस्टर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ दिन पहले सीएम शिवराज के विवादित पोस्टर लगे थे और उस पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। एमपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से सीएम शिवराज के विवादित पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद अब केस दर्ज किया गया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की खबर मिल रही है। विवादित पोस्टर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद कार्यवाही की गई है। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ किस तरीके से विवादित पोस्टर लगाए गए थे, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पोस्टर्स किस तरीके से लगवाए गए थे। इस पूरे मामले में अब कार्यवाही की गई है। एक और बड़ी खबर मिल रही है फोन पे की, मध्य प्रदेश कांग्रेस को दरअसल वार्निंग दी गई है, और ऐसे में शिवराज के फोन पे पोस्टर लगाने पर अल्टीमेटम दिया गया है। कांग्रेस पर लीगल एक्शन लेने की भी वार्निंग दी गई है फोन पे के लोगों का, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, इसी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर इस लोगों का इस्तेमाल क्यों किया गया है। फोन पे के पोस्टर तुरंत हटाने की अपील भी की गई है। तो देखिए, अब विवाद और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में पोस्टर को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है, पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए। सीसीटीवी पे, फेसबुक पे लगाते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं। छिंदवाड़ा में तो एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष दोनों हैं जो पोस्टर लगाते हुए दिख रहे हैं। बुरहानपुर में आपके कांग्रेस का पदाधिकारी है, ग्वालियर के अंदर है, ये सीसीटीवी फुटेज है, मैं आपको मीडिया वालों को दिखाता हूं सीसीटीवी फुटेज, कि किस तरह से ये लोग पोस्टर लगा के डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं।